الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज तलबा, जैसे आपने भी बात सुनी, यहाँ कोई तकरीर नहीं होनी है, बस ये एक मुलाकात है और चंद बातों की तरफ अगर तवज्जो हमारी हो जाए तो ये अल्लाह की नेमत है। बात कही जाती है अला इन्ना खैर अल खैर खियारुल उलमा व इन्ना शर्र अल शर्र शिरारुल उलमा, ये खैर भी सबसे बढ़कर उलमा से ही निकलता है और ऐसा भी होता है कि शर के रास्ते भी वहीं से चलते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का जहन बिगड़ जाए और वो गलत रास्ते पर पड़ जाए तो वो गलतियों का मंबा बन जाता है। इस एतबार से उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खुद अपनी ज़ात के एतबार से भी और उम्मत के एतबार से भी। अगर उलमा बिगड़ेंगे तो उम्मत बिगड़ेगी और उलमा बनेंगे तो उम्मत बनेगी। उलमा की हैसियत पूरी उम्मत के दिल की, और हदीस में आता है अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वही अल्क़ल्ब, के जिस्म में एक मुज़गा गोश्त ऐसा है कि अगर वो ठीक तो पूरा जिस्म ठीक, और अगर उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता। तो बिल्कुल इसी तरह ये उलमा उम्मत का दिल है, उलमा ठीक तो उम्मत ठीक, उलमा के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो फिर ख़तरा। उलमा कैसे ठीक होंगे, ज़ाहिर है हदीस में बात बयान कर दीजिए, आप उम्मत का दिल हैं लेकिन अल्लाह ने आपके अंदर एक ऐसा खुद दिल रखा है कि जिस पर आपका हमारा सबका मदार है। अगर हमारा दिल ठीक है तो हम ठीक, और हम ठीक हैं तो उम्मत ठीक, ये है निज़ाम। तो पहला मरहला खुद हमारा है। हज़रत मौलाना एक बात कहते थे, बहुत ताकत के साथ कहते थे कि हमारी निगाहें देख रही हैं कि इस मुल्क को स्पेन बनाने का पूरा नक्शा तैयार, और अगर हमारे उलमा खड़े नहीं हुए और उन्होंने इसका मुकाबला नहीं किया और मुल्क को नहीं संभाला तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को स्पेन बनाने से नहीं बचा सकती। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं आप सब जान लें, जो बात मौलाना ने 50 साल पहले कही थी आज वो एक हकीकत बनती नज़र आ रही है। लेकिन इन हालात में भी अफसोस की बात यह है कि हमें जिस तरह यकसू होकर लगने की ज़रूरत थी अपनी अपनी सतह से, अपने अपने इलाकों में, अपने वसाइल के एतबार से जो हम कर सकते थे, जो हमें करना चाहिए, बड़ी कमी नज़र आती। और ये ज़िम्मेदारी हमारे अजीज़ तलबा पर भी है जो कल के उलमा इंशाअल्लाह हों, और ये ज़िम्मेदारी हमारे उलमा पर भी है जो रहनुमाई का काम करते हैं, हमारे अइम्मा जो मस्जिदों में अगर सही रहनुमाई का काम कर लें तो पूरे पूरे इलाके संवर जाए। इस सिलसिले में मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपनी नस्लों के ईमान को बचाने की ज़रूरत है। इस वक्त ख़तरा, पूरी प्लानिंग है
बच्चों को जिस रुख पर ले जाया जा रहा है, अगर हमने तवज्जो नहीं की तो फिर हम रोक ना पाएंगे। और इसके लिए अगर मस्जिद मस्जिद निज़ाम बन जाए कि जितने भी यहाँ आने वाले हमारे मुक्तदी हजरात और जितने वो मकानात हैं कि जहाँ के लोगों को आना चाहिए लेकिन उनको तौफीक नहीं मिल रही, हम उनकी फ़िक्र कर लें, उनके लिए हम सर्वे करें, एक एक घर तक पहुँचने की कोशिश करें, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, हमको मालूम होना चाहिए कौन कहाँ जा रहा, उनके ईमान का हाल क्या है, कलमा पता है उनको। आज तो हालत ये है कि आप एक मुसलमान को पकड़ के पूछिए तो कलमा याद है, अच्छे अच्छे लोगों को पूछा गया मालूम नहीं है कलमा क्या होता है। मुझे तजुर्बा है इसका। एक गांव में मैं गया, रायबरेली के गांव में, जहाँ 100 मदरसे हैं, इत्तेफाक से वो जहालत वाला गांव था, वहाँ मैंने बच्चों को बुला के पूछा, बच्चे छोटे नहीं बड़े बच्चे 12 साल 15 साल के नौजवान, कलमा पता है? अब मेरा मुंह देख रहे हैं कलमा क्या चीज़ है। हमने कभी सुना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो बाज़े बोले हाँ हाँ सुना तो है, और बाज़ बोले मालूम नहीं। ये हालत है हमारे देहातों की, और देहातों की सिर्फ नहीं बल्कि हमारे शहरों की। हमारे भाई इमाम अब्दुल्लाह हसनी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, मजलिस में बैठे थे, 3-4 नौजवान आके बैठे, पढ़े लिखे नौजवान, न जाने मौलाना क्या ख्याल में आया, दिन में बात आई, मजलिस ख़त्म होने लगी तो फरमाया इधर आओ तुम लोग, करीब आओ, करीब आए, पूछा तुम्हें कलमा याद है? तो उन 3-4 नौजवानों में से गालिबन एक ने कलमा सुना, बाकी उन पढ़े लिखे नौजवानों को भी कलमा याद नहीं था। ये कौन से नौजवान हैं कि कोई तो जज्बा होगा कि मजलिस में आके बैठे, और जो आते ही नहीं उनका हाल क्या है? मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इसकी फ़िक्र कौन करे? ना फरिश्ते आएंगे, ना नबी आएंगे, नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब ये कार्य नबूवत किसके ज़िम्मे है? मेरे दोस्तों ये ज़िम्मे हैं उलमा के, अलउलमा वरसतुल अंबिया, और ये हमारे अजीज़ तलबा जो इंशाअल्लाह कल आलिम होंगे, इनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी। और ये ज़िम्मेदारी कैसे अदा होगी? बेफिक्र रहने से ज़िम्मेदारी अदा नहीं होगी, कोशिश हमको पहले से करनी पड़ेगी, उसकी तदबीर उसकी तैयारी हमको पहले से करनी पड़ेगी, अल्लाह रास्ते खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेहनत ज़ाय जाती है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला अच्छे तरीक़े पर काम करने वालों की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, उनकी मेहनत के नतायज अल्लाह दुनिया में भी दिखाता, और मरने के बाद जो अजर मिलेगा तो मिलेगा। तो इसलिए पहली बात यह है कि ईमान को मजबूत करो, ख़ुद अपने ईमान को मजबूत करना, हमारे ईमान के लाले पड़े हों, ऐसे ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं कि अक़ल दंग रह जाए। बहुत से ऐसे मुर्तदीन हैं जिनके बारे में मालूम हुआ कि वो किसी मदरसे के फारिग थे, और वो गहरा इल्म रखने वाले लोग, आज वो इस्लाम पर ऐसे एतराज़ात कर रहे हैं अंदर घुस कर कि वही एतराज़ कर सकता है जिसने हमारी जुज़वी किताबों के जुज़वी मसाइल का वो किया हो, एहसा किया हो, उनका एहतमाम से मुताला किया। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि वो तो किसी मदरसे के फारिग, में किसी मदरसे का नाम नहीं लेता। मेरे भाइयों इंतहाई काबिल फ़िक्र बात, हमें ख़ुद अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम किधर जा रहे हैं? मादियत का एक ऐसा मिजाज बनता चला जा रहा है कि हमें सिर्फ दुनिया नज़र आती, दुनिया की दौड़, पलाय गुरूर का तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मावाहुम जहन्नम। अल्लाह तो कहता है कि ये जो काफिर और मुशरिक हैं इनका दौर दौरा तुम्हें धोखे में न डाले। अमेरिका के पास ताकत है, बड़े बड़ी ताकत वाले दुनिया में कर फर के साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, चक्कर में मत पड़ो। मताउन क़लील, बहुत ही मामूली सौदा है, सुम्मा मावाहुम जहन्नम, उसके बाद ठिकाना क्या है उनका? लेकिन आज हमें इसका एहसास नहीं। तो पहली बात यह कि ईमान को मजबूत करना और आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़ की फ़िक्र करना, और दूसरी बात यह कि हमें अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करना। ये इल्म क्या हो, मैं तो साफ कहता हूँ कि इसमें हम कोई फ़र्क भी नहीं करते, कोई बच्चा हमारा इल्म से महरूम ना रहे। आप स्कूलों में भेजते हैं, आप कॉलेजों में भेजते हैं, मैं मना नहीं करता,
लेकिन एक बात याद रखिए कि उसको पहले मुसलमान बना दीजिए। अगर वो कॉलेज स्कूल में जाता भी है तो आप एक अलग से इंतज़ाम हर हर मस्जिद में कीजिए जहाँ वो बच्चा आकर अपना ईमान तो सही कर लें। वरना याद रखिए आप आराम से अपने घरों में होंगे, बल्कि मैं आगे बढ़ के क्या कहूँ, आप जाकर मदरसों में पढ़ा रहे होंगे या चिल्ला लगा रहे होंगे, पर आपकी बच्ची कहीं और जा रही है। हमारे बहुत ताल्लुक है तबलीग से, बड़ा गहरा ताल्लुक। वो खुद कहने लगे, एक मरतबा मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, रक्षा नहीं आया तो मैं उसको लेकर जाने लगा, तो एक मंदिर आया तो बच्ची हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो बोली कि हमें हमारी मैम ने सिखाया कि कोई मजहबी जगह आ जाए, मस्जिद हो, अब वो तो मुसलमानों को बराबर करने के लिए बोले, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, एहतराम से हाथ जोड़ने चाहिए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ईमान निकाला जा रहा है। इसके बहुत से वाक़यात हैं स्कूलों में जो पेश आते हैं कि कलम गायब कर दिया, तो मांगो अपने अल्लाह से। अब बेचारा बच्चा क्या जाने, मांग रहा है अल्लाह मियाँ कलम दे दीजिए, अब मास्टर साहब छुपाए बैठे हैं कैसे मिल जाए। तो अब मांगो, अब भगवान से मांगो देखो मिलता है कि नहीं मिलता। अब बेचारा बच्चा मासूम, भगवान हमें कलम दे दो, जड़ से निकाला कलम दे दिया, देखो भगवान से मांगा मिल गया, अल्लाह से मांगा नहीं मिला। इस तरह से धोखेबाजियाँ चल रही। हमने अगर अपनी नस्लों को ईमान की हिफाजत नहीं की तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, आप भेजिए कॉलेजों में, स्कूलों में, लेकिन आप उनके ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए। हर मस्जिद में मकतब कायम होना चाहिए, फ़र्ज़ है, और हर महल्ले में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बड़ी बच्चियाँ आएँ और आकर वो दीन सीखें, तहारत के मसाइल सीखें, नमाज रोज़ा सीखें, उनका अकीदा दुरुस्त, फ़र्ज़ है ये। तो पहली बात ईमान की हिफाजत, दूसरी बात इल्म की इशाअत, और तीसरी बात अखलाक की बुलंदी। अखलाक की बुलंदी बड़ी चीज़ है, पयाम इंसानियत क्या है, ये अखलाक की बुलंदी। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा अपने अंदर ईसार पैदा कीजिए, अपने भाइयों में, ईमान वालों में, और यहाँ जो वतनी भाई हैं, थोड़ा सा इनमें खिदमत करके आप बताइए कि इस्लाम हमको कौन सा तरीक़ा बताया। लोग इस्लाम को हमारी ज़िंदगी से सीखें। मैंने 50 जगह बात कही कि याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी से इस्लाम को नहीं बताएंगे, लोगों के सामने नहीं पेश करेंगे, तो लोग फिर मीडिया वाला इस्लाम सीखेंगे, मीडिया से इस्लाम सीखेंगे। कौन सा इस्लाम सीखेंगे मीडिया से? आज मीडिया क्या बता रहा है इस्लाम के बारे में, कैसी गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है? ये तो हमारी ख़राबी है, हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि फ़लाँ हमें गाली दे रहा। कौन गाली दिलवा रहा? कौन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़बानें खुलवा रहा है? मैं इस मस्जिद में बैठ के कहते हुए शर्म महसूस करता हूँ कि हमारी बदअखलाकियाँ। हमने सही ईमान की तर्जमानी की होती, हम नमूना बने होते तो हालात कुछ और होते। तो भाइयों, ये तीन बातें मैं बतौर वसीयत के कहता हूँ, ईमान की हिफाजत, इल्म की इशाअत, और अखलाक की बुलंदी को इख्तियार करना, और उसका नमूना लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करना। और ज़ाहिर है ये सब कैसे होगा, पहले अपने दिल पर मेहनत करें, अपने दिल को आदमी दिल बनाए, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करे, हर काम उसके फिर आसान हो जाए। आप तजुर्बा करके देखिए, आप कोई काम कर रहे हो, आपको मशक्क़त हो रही, अरे कौन जाए, जहाँ दिल में ख्याल आया अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा, बहुत मिलेगा, फ़ौरन आपके अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाएगी, चलो वही तो सवाब का काम है। हम तो बच्चों से कहते, बच्चे से खाना पानी पिला दो, एक भाई क्या कहते दूसरे भाई तुम पिला दो, हमने कहा सवाब कौन लेना चाहता है भाई, जो पिलाएगा उसको सवाब मिलेगा। मशक्क़त का उठाना उस वक्त आसान होता है जब उसके अजर का इस्तेहज़ार पैदा, और अजर का इस्तेहज़ार कब पैदा होता है, जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा, आदमी अखलाक के साथ लग जाए काम करे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, ज़ाहिर है फिर अखलाक भी आ जाता है, और फिर उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला कामों को आसान कर देते हैं। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज मैं नकल करता हूँ अक्सर, और यहाँ भी उसको दोहराता हूँ, बात मुकम्मल करूँगा, इसका इतना लंबा वक्त भी नहीं कि बात तवील हो। हज़रत कहते थे कि इस वक्त दुनिया में जो कुछ इंतशार और बिगाड़ है, इस वक्त दुनिया में जो कुछ इंतशार और बिगाड़ है, उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि इखलास नहीं, अखलाक नहीं, इखलास नहीं, अखलाक नहीं। और फरमाते थे कि इखलास और अखलाक को पैदा करने का रास्ता मोहब्बत इलाही, जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो आदमी अल्लाह के लिए काम करें, और जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो आदमी दूसरों के लिए झुकना सीखेगा।
उसके अंदर अखलाक की बुलंदी पैदा हो जाए। और अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी? ज़िक्र की कसरत से और अहलुल्लाह की सोहबत से। ये तरतीब है, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद कामों में हमारे क़ुव्वत पैदा हो जाएगी, आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो बस भाइयों, इस वक्त जो हालात हैं इनमें हमें ज़रा सा अपने अंदर क़ुव्वत अमल पैदा करनी। ये कौन सी गफलत की ज़िंदगी है कि जैसे रातिब मिल जाए बस काम हो गया, खाना खा लिया, खाना खा के फारिग हो गए, दर्जे गए नहीं गए, या ऐसे ही पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई फिक्र नहीं कि उम्मत की जो कश्ती है वो इस वक्त भंवर में, कौन इसको खेवनहार कौन है, कौन इसको पाल लगाए। ये काम हमारे उलमा का है। अगर ये हमारे तलबा तैयारी शुरू कर दें और उलमा तय कर लें कि इंशाअल्लाह हमें इसके लिए मिशन बना कर अपने आप को लगाना है, खपाना है, क़ुरबानी देनी है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह किस तरह हालात बदलते हैं। बस इंशाअल्लाह ये मेहनत हो जाए थोड़ी सी अपने ऊपर। मैंने जैसे शुरू में कहा कि अपनी ज़ात पर मेहनत और उम्मत के लिए मेहनत, ये दो मेहनतें हैं। इन दोनों मेहनतों के साथ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को ज़ाय नहीं करता। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना फइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। कि जो हमारे लिए हमारे रास्ते में अपनी जान खपाते हैं, हम उनकी मेहनतों को ज़ाय नहीं करते, हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। और अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो अच्छे तरीक़े पे काम करते हैं, जिनके अंदर एहसान की सिफत होती है। अल्लाह उनकी मेहनतों को ज़ाया नहीं करता और उनको बहुत कुछ अल्लाह ताला अता फरमाता है। ऐसी बातें बहुत हैं। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। कि दौर तो कव्वाली का है, ऐसा मिजाज बना हुआ है। एक मौली साहब तकरीर करेंगे, दो चार और आएँगे और तकरीर करेंगे। तकरीर करने वाले बहुत हैं लेकिन अमल करने वाले कितने? असल मसला यही है कि हमारे अंदर क़ुव्वत अमल पैदा, एक जज्बा पैदा हो जाए, हम बेचैन हो जाएँ कि हमारे जीते जी इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम रहें ना रहें तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मक़ूला है, अजुम कसुद्दीन हो अना हई, क्या ये मुमकिन है कि मेरे जीते जी दीन में कुछ कमी और ज़्यादती की जाए? ये हो नहीं सकता, नाकाबिल बर्दाश्त। ये सुन्नत सिद्दीक़ी है, हमीयत सिद्दीकिया, गैरत सिद्दीकी है, इसको पैदा करने की ज़रूरत। ये इंशाअल्लाह अगर पैदा हो गई हमारे लिए सारे रास्ते खुलेंगे। आप सोचते हैं क्या करें, हम अर्ज़ करते हैं जब आप मैदान में आएंगे अल्लाह आपके सामने रास्ते खोल कर सामने आपको खड़ा कर देगा, बस चलना है, दो कदम बढ़ाओ मंजिल मिल जाए। लेकिन हम खुद ठस हो जाएँ और खुद करना ना चाहें, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कुछ नहीं देता। हदीस में क्या आता है, एक कदम आओ हम दो कदम आएँगे, तुम चल कर आओ हम दौड़ कर आएँ। हम तो चलना ही नहीं चाहते, कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते, उसके बाद कहाँ से अल्लाह की मदद होगी। तो भाइयों, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी आपकी है। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह रास्ते खोलेंगे। और मैं तो कभी मायूस नहीं हुआ, हालात कैसे ही हो जाएं, लेकिन अगर इंशाल्लाह आप मैदान में हैं तो मैदान इंशाल्लाह आपका है, मैदान आपका है। कोई कुछ कर ले, लेकिन किसी के पास ना वो ईमान है ना वो अखलाक की ताकत है, वो आपके पास, लेकिन उसको हमें बरतने की ज़रूरत है। हम बग़ैर बरते हुए कैसे काम कर सकते हैं? चेक है आपके पास, आपको चेक भुनाना पड़ेगा। आप 2 करोड़ का चेक लिए जेब में फिरते रहिए और जूतियाँ चरखाते फिरिए, खाना भी नहीं मिले। भाई चेक भुनाओगे तो तुम्हें उसकी कीमत का एहसास होगा। अपने ईमान को भुनाने की कोशिश करो, अपने अखलाक को तुम बरतने की कोशिश करो, फिर तुम्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा होगा। आज हम महरूम इसलिए हैं कि खुद हमको अल्लाह ने जो नियामत दी है हमें अपनी नियामत का अंदाज़ा नहीं है, अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं। यह अखलाक और ईमान की सबसे बड़ी ताकत, इसको बरतने की ज़रूरत है, मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आपके जमा होने को अल्लाह कबूल करे और हम सबको अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल फरमाए, दीन की खिदमत के लिए, उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा अल्लाह हमारे अंदर पैदा करे। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।